अस्सलाम वालेकुम टू माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक्स फॉर यू। नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह अब पाकिस्तान पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से बड़े बड़े मुमालिक पाकिस्तान से डरते हैं? पाकिस्तान जिस मुल्क को भी जंग की धमकियां देता है वो आगे से पसीना पसीना हो जाता है। आखिर दोस्तों, पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा हथियार मौजूद है जिसके दम पर पाकिस्तान पूरी दुनिया पर बहुत जल्द हुक्मरानी करने वाला है? भारतीय मीडिया पाकिस्तान की असल ताकत मंजर आम पर लाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, लेकिन इससे कबल हज़्बे रवायत में आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि हमारे इस चैनल टॉक फॉर यू को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद इस बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में अपनी पाक फौज को सलाम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान अपनी दिफा में आस्ते आस्ते वो हथियार शामिल कर रहा है जो बड़े से बड़े दुश्मन मुल्क को खौफजदा करने के लिए काफी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वैसे तो पाकिस्तान के पास बहुत से खतरनाक हथियार मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस हथियार के दम पर बड़े बड़े ममालिक को जंग की धमकियां देता है वो है एटम बम। उनके मुताबिक पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत में दिन ब दिन इजाफा करता जा रहा है, और पाकिस्तान 2025 तक इस सिलसिले में तीसरे नंबर पर आ जाएगा, जिसके बाद दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। दोस्तों, इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जिस भी मुल्क को जंग की धमकियां देता है तो उसे एटम बम से भी डराता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन की तादाद 125 से लेकर 170 के दरमियान हो गई है, जो किसी भी मुल्क को खाक करने के लिए काफी है। इसके अलावा इंडियन मीडिया का मजीद ये भी कहना था कि इमरान खान शुमाली कोरिया के सदर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो सिर्फ जंग की धमकियां नहीं देते बल्कि उसे करके भी दिखाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी पाक फौज को सलाम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर दिए, और आपके हम निसारों का अल्लाह निगेबान।